आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं सुरोशी। जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की तपिश लगातार जारी है। आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले को लेकर इसके पूर्व भी विभिन्न विधायकों और आईएएस अधिकारियों के घर पे भी छापेमारी की गई थी। इसी के तहत आपको बता दें, बीते एक महीने पहले योगेंद्र साहब के घर पर भी छापेमारी की गई थी। बता दें, योगेंद्र साहब का घर हजारीबाग स्थित, उनके घर पर ईडी की दबिश जारी थी। इसके साथ ही ठीक उसी दिन उनकी बेटी अंबा प्रसाद के घर पर भी ईडी की दबिश जारी थी। उनके घर पर छापेमारी की जा रही थी, पूरी तलाश की जा रही थी, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा था। इसके साथ आपको बता दें, क्योंकि जमीन घोटाला मामला लगातार इन दिनों सुर्खियों पर है, इसी मामले को लेकर टुकुलाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के घर और आवास पर भी और उनके विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही थी, जिसके तहत आज यानी कि सुबह इंस्पेक्टर मीरा कुमारी वो आज खुद स्कूटी चलाकर आज वो ईडी कार्यालय पहुंची और ईडी के तमाम सवालों का फिलहाल वो जवाब दे रही होंगे। आपको बता दें, योगेंद्र साहब को 11 बजे का समय दिया गया था, जिसके तहत वो एक घंटा देरी से पहुंचे, पर आज जब वो संवाददाताओं से ईडी कार्यालय घुसने से पहले बातचीत की तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि मैं भाग्यशाली कि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उनके पीते जितने भी मामले हैं वो ये चाहते हैं कि ईडी उनसे इस मामले पर भी पूछताछ करे। कहीं ना कहीं वो ईडी को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार आप जैसे कि देखते हैं, यहाँ फिलहाल मैं मौजूद हूँ अभी फिलहाल ईडी कार्यालय में, जहाँ पे दो बड़े मामलों पर आज पूछताछ की जा रही है। योगेंद्र साहब जो कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ जमीन घोटाला मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। आज दूसरा दिन है, आज दोबारा योगेंद्र साहब ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिसके बाद ईडी के तमाम अधिकारी पूछताछ करेंगे। वहीं आपको बता दें, अगर हम मीरा सिंह की बात करें तो टुकुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के बारे में जैसे ही एसएसपी को पता चला तो एसएसपी त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करते हुए ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। इसके बाद मीरा सिंह लगातार ईडी के समक्ष पेश हो रही है, उनके तमाम सवालों का जवाब दे रही है। आपको बता दें कि ईडी इससे पूर्व भी आईएएस अधिकारी, विभिन्न आईएएस अधिकारी जैसे छवि रंजन हो गए, पूजा सिंगल हो गई, उसके बाद सबसे बड़ा मामला झारखंड में आया पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का, इन सभी मामलों पर कहीं ना कहीं जमीन घोटाला मामला जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अब फिर से अंबा प्रसाद यानी कि विधायक बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहब को भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाला मामले को लेकर और ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, कहीं ना कहीं वो ईडी का भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम मीरा सिंह की बात करें तो वो टुकुदाना थाना प्रभारी, इससे पहले भी उन पर ऐसे कई आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उनके आरोप लगाने के बाद अब ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच में योगेंद्र साहब ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। से मैंने आग्रह किया हूँ ईडी के हम अधिकारियों से कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना मैं कन्विक्टेड जो भी हुए हैं, वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ, उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज़ पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ, आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी एनआईए सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जाँच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, अंबा जी थोड़ा समय ले ली हैं और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेगी। कल क्या पूछताछ की गई आपसे, क्या वो पूछताछ में सारा चीज़ मतलब आया है, जितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में सब सारा चीज़ बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। जो आरोप बाकी लगे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछेंगे, क्या सी आरोप लगे हैं, क्या अवैध कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं है, गलत चीज़ है ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार, हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं।
हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है, व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और रिफैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब सारा चीज़ है, तो सब लीगल वे में है।